पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को धोखे से शहीद कर दिया गया था, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को आदेश दिया कि पाकिस्तान पर हमला करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। उसी का पालन करते हुए भारतीय वायुसेना के जवानों ने बीती रात पाकिस्तान पर हमला करके 300 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसी दौरान वायुसेना के वीर जवान कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से लड़ते समय उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था और पाकिस्तान में जा गिरा। इसके बाद भी अभिनंदन द्वारा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को कहा कि हमारे अभिनंदन को जल्द से जल्द वापस किया जाए। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए आज अभिनंदन को भारत देश के हवाले कर दिया, जिसको लेकर मुरादाबाद में भाजपा नेताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही उन्होंने होली के साथ रंग खेल खुशी का इजहार किया और कमांडर अभिनंदन को सलाम किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मोदी जिंदाबाद, अभिनंदन भैया जिंदाबाद, अभिनंदन भैया जिंदाबाद, आज हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे जाबाज सिपाही का आज अभिनंदन और अभिनंदन का अभिनंदन हिंदुस्तान में हो रहा है। और माननीय मोदी जी ने ये करके दिखा दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज सभी भारतवर्ष में खुशी की लहर है और हम सब मिठाइयाँ बांटकर पटाखे छोड़कर अपनी बात को कहना कि हमारा सकुशल एक जाबाज सिपाही वापस आ चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में सब हो पाया। मोदी जैसे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी हमें कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी अगर हमारे साथ हैं तो हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन नगर में एकत्र होकर हमारा जो वीर जवान सहकुशल अभिनंदन भारत अपने वतन में वापस लौट कर आया है, उसकी खुशी में हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और हम सब लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए यहाँ पर लड्डू वितरण का कार्यक्रम किया है, आतिशबाजी छोड़कर खुशी का इजहार किया है। निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का मौका है और ये ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ है कि पूरा विश्व आज भारत की सराहना कर रहा है। हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रकार का दुस्साहसिक कोई कार्य भारत के विरुद्ध हमारी सीमा के अंदर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा कोई कार्य किया गया तो निश्चित रूप से हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देकर जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमेशा सक्षम रहे।